मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में कोयले का संकट निर्माण हो गया। कई राज्यों में कोयले की आपूर्ति न होने के कारण जो बिजली निर्मिति के लिए संच बनाए गए हैं वो बंद पड़ गए। कई राज्यों में बिजली का संकट है, कटौती की जा रही है। जिस देश में आज क्षमता है सरप्लस बिजली बनाने की, आज कोयला ना होने की वजह से संकट पैदा हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से दूरदृष्टि कर रख कर कोयले को आवंटन किया ताकि आने वाले दिनों में बिजली की खपत बढ़ेगी, उसका ईंधन का इंतजाम किया जाए, उन्होंने झूठे आरोप लगा के कि कोयले घोटाला हुआ, पूरा जो भी कोयले का एक सिस्टम बनाया गया था ध्वस्त कर दिया। जिनको भी दी गई है बहुत सारी खदानें, आज तक उसमें खुदाई का काम चालू नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे विदेश से कोयला मंगाया जा रहा है। जब देश में कोयला है, विदेशी कोयला मंगाने की ज़रूरत पड़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार कोयले में चला जा रहा है। हमें लगता है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले का संकट है, विदेशी मुद्रा कोयला बाहर से मंगाने में जा रहा है। भारत की कोयला की खदानें, अभी तक उसकी खुदाई का काम नहीं शुरू हो पाया, ये सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।